दोस्तों एक बात कहूँ, बहुत छुटपन से एक सपना था कि एक दिन लंदन शहर जरूर जाऊँगा। कभी सोचा ना था ये कब होगा, और लेकिन अचानक एक दिन अपॉर्चुनिटी आई और हम लंदन पहुँच गए। लंदन का एयरपोर्ट भी कमाल का है दोस्तों, कभी एस्केलेटर से ऊपर को जाओ तो कभी नीचे को आओ। काफ़ी ऊपर नीचे होने के बाद हम इमिग्रेशन क्लियर करके जब बैगेज बेल्ट पर पहुँचे तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी हमारा बैगेज हमारे सामने था। बैगेज लेके जब हमको टैक्सी के लिए बाहर निकलना था तो उसके लिए हमें फिर से लिफ्ट लेनी पड़ी। टैक्सी में बैठे और सड़क पर पहुंचे तो मज़ा ही आ गया। लंदन की सड़कों का नज़ारा बहुत मस्त था, आसमान में बादल, ठंडा ठंडा मौसम, सैकड़ों साल पुराने डिज़ाइन के आवास और बिल्डिंग्स। आप भी देखिए, लगभग 1.5 घंटे की शानदार रोड जर्नी के बाद हम अपने होटल पर पहुंचे जिसका नाम था पैन पैसिफिक। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम अपने नई डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं एंड इट्स माय ड्रीम डेस्टिनेशन, यानी कि यूके का सबसे खूबसूरत शहर लंदन, जिसकी हेरिटेज के लिए उसको जाना जाता है। और हम लोग हमेशा से सोचते थे कि कभी यहाँ आना होगा कि नहीं होगा, तो फाइनली वी आर लैंडेड ओवर हियर। एंड इस समय हम यहाँ अभी होटल में रुके हुए थे, नीचे उतरे हैं, अब शहर की चहलकदमी के लिए निकल रहे हैं और आपको बैकग्राउंड में बहुत कुछ दिखाया जाएगा। अभी शुरुआत है। देखिए, ये पुराने ज़माने की 100 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग है जिनको आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी मैं इधर आऊँगा तो आपको इधर ही पीछे का दिखाई देगा। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ए नॉस्टैल्जिक प्लेस टू स्टे। और हम लोग यहाँ पर एक हफ्ते के लिए हैं, उसके बाद आपके साथ मुलाकातें होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र, चलिए आप हमारे साथ। दोस्तों, लंदन की सड़कों पर टहलने का और वहाँ की बिल्डिंग्स को देखने का और वहाँ के चीज़ों का आनंद लेने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, इन सड़कों पर जब हम घूमते हैं तो यहाँ पर टूरिस्ट के चेहरों की मुस्कान और उनकी एनर्जी लेवल को देख के आपको पता लग सकता है कि वो यहाँ पर आकर कितना खुश हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस समय हैं लंदन की कैनन स्ट्रीट पे और हम घूमते हुए यहाँ चले आए थे लंच लेने के लिए और कुछ फास्ट फूड वगैरह लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ की रोड्स पे बड़ी शांति से, बड़े आराम से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत ज़्यादा कायदा कानून की पालन करने के ऑर्डर्स नहीं हैं। लोग देखते हैं कि इधर उधर कोई नहीं, आराम से पार कर लेते हैं, और जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो आराम से रोक लेती हैं अगर कोई आता जाता है। जबकि अमेरिका में ऐसा है कि वहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, रात के 2 बजे हों और एक भी आदमी सड़क पर ना हो, फिर भी गाड़ी उस पॉइंट से पार नहीं कर सकती बिना ब्रेक लगाए जहाँ पर आदेश होता है। तो पैदल चलने वालों के लिए वहाँ सुरक्षा के लिए बहुत ही कड़े रूल हैं, लेकिन यहाँ पर इतने कड़े रूल न होते हुए भी किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बहुत कंसिडरेट हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करके चलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हम उस देश के सड़क पर खड़े हैं जिसका एक टाइम पर 3/4 दुनिया पर राज था, और आज उसी समय की बिल्डिंग्स, उसी समय की सड़कें और उसी समय की जो जनरेशन है उसकी 3री 4थी 5वीं जनरेशन हमारे सामने है। और मैंने एक चीज़ देखी, जो इनके ओरिजिनल लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी यहीं के मूल का मिल जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि एक टाइम ऐसा था जबकि आधे से ज़्यादा दुनिया पर इनका राज था, और आज इनका प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है, ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए। और लोग बहुत कंसिडरेट हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, अननोन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रखने पर विश्वास रखते हैं। अभी हमको थोड़ा ही टाइम यहाँ पर आए हुए हुआ है और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की सोशल वैल्यूज़, यहाँ के रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग, एंड
आपसे आगे मिलते रहेंगे, नई नई जगहों को आपको दिखाते रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास साबित होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये तो थी लंदन की एक झलक जो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाई। इसके पार्ट टू में बहुत जल्द आपको बाकी की चीज़ें दिखाएंगे और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं फिर से हाजिर होता हूँ लंदन टूरिज्म पार्ट टू लेकर। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।